नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसके विरोध में छात्र खड़े हो गए हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल ही में जामिया में हुआ, उसके बाद JNU में हुआ और देश में कई जगह हो रहा है। JNU में जो हुआ उस पर विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया आई है, उनका कहना है कि छात्रों पर बरबर कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के महासचिव और मेरठ मंडल के प्रभारी वीरेंद्र सिंह गुड्डू जी। आपका क्या कहना है इस बारे में, जो इस बिल को लेकर विरोध है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और हाल ही में JNU में जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से बिल लाया गया है बिल्कुल गलत तरीके से लाया गया है। सबसे पहले तो ये जो बिल लाया गया था वो असम के लिए लाया गया था, और असम में जो है जब उन्होंने देखा BJP सरकार ने कि वहाँ पे 19 लाख लोग में से 15 लाख लोग हिंदू हैं और 4 लाख के आसपास मुस्लिम हैं, तो उन्होंने इस कानून को वहाँ रोकने का कार्य किया। पूरे देश में लागू करने का मतलब इनका ये था कि पहले असम में तो आप जो कार्रवाई करनी थी कम से कम पहले वहाँ पूरा करके दिखाते, लेकिन देश की जो मौजूदा हालात हैं, किसानों की समस्या है, बेरोजगारी है, आर्थिक मंदी है, उन सब से बचने के लिए नए नए फॉर्मूले अपनाते रहते हैं। इसलिए इन्होंने इसको पूरे देश में लागू करने के लिए अमेंडमेंट लाने की बात करी। मेरा मानना है चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर कोई शरणार्थी है तो उसको हमारे देश को जो है शरण देनी चाहिए। लेकिन मुद्दा ये आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है हमारे देश के लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, आज जो मुद्दे हैं उससे जो है सरकार ये ध्यान भटकाने के लिए कार्य करती है। और रही बात ये जिस प्रकार से अभी जामिया में हुआ और JNU में हुआ, JNU यूनिवर्सिटी को मेरा मानना यह है अभी तक ये लोग बदनाम करने में सरकार लगी हुई है। अगर इनको इतना ही था JNU में, जिस प्रकार से कन्हैया कुमार ने ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाए और एक TV चैनल खासकर जो है टुकड़े टुकड़े गैंग जो शब्द इस्तेमाल करा, उसी शब्द को जो है आज की डेट में गृहमंत्री और प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते, बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास कोई सबूत हैं और सारी चीज़ें हैं, आपके पास पुलिस है, CBI है, आपके पास आर्मी है, तो अभी तक आप क्यों उनको जो है दंड नहीं दे पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपने गलत तरीके से सारी गलत वीडियो आपने दिखाई वहाँ पर और गलत लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब रह गई बात ये कि जो भी JNU में सपोर्ट करने जाता है, अभी कल मैंने देखा बॉलीवुड की जो है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण गई, उसके बाद BJP के जो अंधभक्त हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम इनकी पिक्चर नहीं देखेंगे। अरे भाई, जो आदमी आज की डेट में भारत को, हमारा लोकतंत्र है और संविधान के तहत हम सारे कार्य करते हैं, उसका जो विरोध करता है उसको तुरंत ये जो है देशद्रोही साबित करने में लग जाते हैं। देशद्रोही ये लोग हैं क्योंकि भारत देश अलग अलग जातियों का, अलग अलग धर्मों का और अलग अलग लोगों का जो है देश है, उसको हमारे देश में संविधान ने एक माला में पिरोया हुआ है और ये उस माला को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं।